नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवियन डॉक्टर, डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ गाय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वेमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन विसूचिका। विसूचिका अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवर्ताम दोषम यथोक्त रूपाम विद्यात। अर्थात विसूचिका के लिए आया है कि विसूचिका जो है आम दोष का ऊर्ध्व जो है वमन के रूप में एवं अधो अतिसार के रूप में मार्ग से प्रवर्त होना विसूचिका कहलाता है। विसूचिका के पर्याय देखें तो विसूची या फिर कालातिसार आचार्य गणनाथ सेन के अकॉर्डिंग हैजा जो है विसूचिका के लिए इसका पर्याय है एवं कॉलेरा हैजा मॉडर्न से इसका कोरिलेशन किया गया। अगर हम विसूचिका के निदान की बात करें तो जो व्यक्ति पशुओं की भांति अधिक मात्रा में अपविधिपूर्वक सेवन करता है खाता है वे विसूचिका से पीड़ित हो जाते हैं। अन्य निदान भी इसके निम्न बताए गए हैं, जैसे विरुद्ध अन्नपान करना या फिर जैसे गुरु रुक्ष शीत शुष्क पदार्थों का अति सेवन करना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या के वशीभूत होकर के आहार का ग्रहण करना, चिंता शोक भय आदि में आहार ग्रहण करना, विदाही व अपवित्र अन्न का ग्रहण करना एवं दूषित जल का सेवन करना, ये सभी विसूचिका के निदान बताए गए हैं। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि अजीर्णम आमम विष्टब्धम विदग्धम च यदि रीतम विसुच्य अलसको तस्मात् भवेच्च अपि विलंबिका। अर्थात इस क्रम में आया है कि जैसे आमाजीर्ण से अजीर्णम आमम विष्टब्धम विदग्धम च यदि रीतम विसूच्य अलसको तस्मात् भवेच्च अपि विलंबिका। आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति होती है और विष्टब्धा जीर्ण से अलसक की उत्पत्ति होती है एवं विदग्धा जीर्ण से विलंबिका की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया आमाजीर्ण में कफ दोष का, विष्टब्धा जीर्ण में वात दोष का, विदग्धा जीर्ण के अंदर पित्त दोष का संसर्ग रहता है। यहाँ बताया गया है कि पहले जैसे अजीर्ण की उत्पत्ति होती है आम से अजीर्ण, अजीर्ण से फर्दर जो है व्याधियाँ शरीर के अंदर उत्पन्न होगी। तो आमाजीर्ण की अवस्था में विसूचिका की उत्पत्ति होती है, विष्टब्धा जीर्ण की अवस्था में अलसक की उत्पत्ति होती है और विदग्धा जीर्ण की अवस्था में विलंबिका रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम विसूचिका की संप्राप्ति देखें तो इसके लिए आया है कि उपरोक्त निदानों के सेवन से जो निदान अभी मैंने आपको बताया तीनों दोष कुपित हो जाते हैं तथा अपक्व आहार को ऊर्ध्व व अधो मार्ग से, ऊर्ध्व यानी मुख से एवं अधो मार्ग अर्थात गुदा से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इसकी निदान इसका देखें संप्राप्ति चक्र तो निदान सेवन से त्रिदोष प्रकोप जो है यह महास्रोतस में होता है, उसकी वजह से जो है अपक्व अन्न का ऊर्ध्व एवं अधो मार्ग से बाहर निकलना और इसी से विसूचिका रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम व्याधि का संप्राप्ति घटक देखें तो इसमें दोष जो है दोष होते हैं विसूचिका के अंदर, और अगर इसमें रस देखें दूष्य देखें तो दूष्य रस होता है। स्रोतस जो है अन्न वह और पुरुष वह स्रोतोगत व्याधि है। स्रोतो दुष्टि प्रकार विमार गमन एवं अधिष्ठान जो है यह महास्रोतस है इसका और आशुकारी व्याधि है। अगर हम इसके विसूचिका के लक्षण देखें तो आचार्य सुश्रुत ने विसूचिका के मूर्छा अतिसार जो है इसमें चावल के धोवन के समान सफ़ेद दस्त होना बताया है। इसी के अलावा इसके अंदर वमन अधिक पिपासा आना, शूल चक्कर आना, ऐठन जो है क्रैम्प्स आते हैं पेट में, इसके अलावा जम्भाई दाह विवर्णता कंपन हृदय में पीड़ा एवं शिरेशूल की उत्पत्ति होना, ये सभी विसूचिका रोग के लक्षण हैं। दोषानुसार आचार्य चरक ने बताया कि प्रकुपित वात से शूल आनाहा अंगमर्द मुखशोष मूर्छा भ्रम अग्निवैषम्य कटिग्रह
शिरा कुंचन, शिरा स्तंभ, इस प्रकार से जो है इसके अंदर वात दोष की वजह से लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम पित्त दोष की वजह से लक्षण की बात करें तो ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, चक्कर आना, प्रलाप होना, प्रकुपित कफ से छर्दी, अरुचि, अपचन और जो है शीत ज्वर, आलस्य, शरीर में गुरुता, इस प्रकार के दोषानुसार लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर विसूचिका के निदानों उपद्रवों की बात करें तो पांच प्रकार के उपद्रव जो है विसूचिका में देखने को मिलते हैं। पांच उपद्रव निद्रानाश, मूत्राघात, अरति, विसंज्ञता अर्थात संज्ञानाश हो जाना, कंप हो जाना, इस प्रकार के उपद्रव देखने को मिलते हैं। असाध्यता के लक्षण अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है जैसे दंत, ओष्ठ और नख का पीला हो जाना, जो जिनके विसूचिका के रोगी के अंदर दंत, ओष्ठ, नख का पीला हो जाना, बेहोश होना, निरंतर छर्दी आना, नेत्रों का भीतर धंसना, क्षीण स्वर हो जाना या संधियों का ढीला पड़ जाना, अगर इस तरह के लक्षण विसूचिका के रोगी में देखने को मिलते हैं तो ये असाध्यता की तरफ जाते हैं, असाध्यता के लक्षण हैं। विसूचिका के चिकित्सा क्रम के अंदर कहा गया है विसूचिकायाम तो लंघन में व अग्रे, अर्थात जो सब सर्वप्रथम जो है विसूचिका के रोगी को लंघन कराना चाहिए, क्योंकि लंघन ही आम रोग जो है आमश जो रोग हैं, जिस प्रकार मैंने बताया आपको आमाजीर्ण से इसकी उत्पत्ति होती है, तो आमश रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, ये हेतु विपरीत चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त जो है जब हेतु विपरीत चिकित्सा हो जाए उसके पश्चात जो है इसमें व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जैसे संज्ञानाश हो जाता है तो उसकी वजह से संज्ञानाश के लिए अग्निकर्म, संज्ञा प्रबोधन दोनों एड़ियों में अग्निकर्म करना चाहिए संज्ञा प्रबोधन के लिए, और जो है आमावस्था में रोगी को वमन कराने के लिए इन्होंने कहा है लंघन, स्वेदन, पाचन, विरेचन, पाक होने पर बताया है, जब रोगी को पाक हो जाए उसके पश्चात में विरेचन कराने के लिए बोला है, आस्थापन बस्ती अर्थात विष्टम्भ की स्थिति में आस्थापन बस्ती का प्रयोग है। विसूचिका के में छर्दी और अतिसार से शरीर में जलीयांश की काफ़ी कमी हो जाती है। विसूचिका में छर्दी एवं अतिसार में शरीर में जलीयांश की काफ़ी कमी हो जाती है, इसलिए विसूचिका में सर्वप्रथम इन दोनों की चिकित्सा करनी चाहिए, इसके बाद लक्षणों की चिकित्सा करनी चाहिए। आधुनिक मतानुसार विसूचिका एक संक्रमण रोग है, इसलिए रोगी को एकांत में रखना चाहिए, वह उसके मल मूत्र को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अगर हम इसमें शमन चिकित्सा की बात करें तो जैसे रस भस्म के रूप में रामबाण रस, अजीर्ण कंटक रस, श्वेत परपटी, प्रवाल पिष्टी, वटी की बात करें तो संजीवनी वटी, अग्नितुंडी वटी, शंख वटी, महाशंख वटी, जाति फलादी वटी, चंद्र प्रभा वटी का प्रयोग आया है। इसी प्रकार आसव अरिष्ट की बात करें तो पिपली आसव, मुस्तकाद्य अरिष्ट, शरबत अर्थात बिल्व शरबत, चूर्ण में बिल्वादी चूर्ण, अर्क की बात करें तो सौफ अर्क, जीरक अर्क, इस प्रकार से इसके चिकित्सार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर भोजन से पूर्व जो है जैसे रामबाण रस का प्रयोग आया है 250 mg, प्रातः चाय, संजीवनी वट्टी, अग्नितुंडी का वट्टी, इनका प्रयोग आया है। सबसे पहले आम के पाचनार्थ जो है चिकित्सा बताई गई है, फिर भोजन के पश्चात जो है पिपल्यासव का प्रयोग आया है 15 से 20 ml संभाग जल से प्रातः चाय, एवं जो है भुनी हुई सौंफ जो का प्रयोग इसके अंदर विसूचिकार्थ इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया है। अगर हम विसूचिका रोग में पथ्य देखें तो यहाँ पे मसूर या मूंग की दाल, लस्सी और नारियल पानी, नींबू का शरबत, फलों का रस, जीरा, धनिया, अदरक, तोरई, करेला, परवल, ये सभी को पथ्य बताया गया है, एवं गुरु, विदाही, विरुद्ध, उड़द व चने की दाल, कटहल, स्निग्ध पदार्थ, ये सभी को यहाँ पे अपथ्य बताया गया है। थैंक यू। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वेमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर।
आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन. इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट सून. थैंक यू.